और इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं और दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर मनीष सिसोदिया हैं। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। देहरादून में दिल्ली के डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत हुआ है। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मीटिंग करेंगे मनीष सिसोदिया और उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में भी जाएंगे। उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से उनका रोड शो होगा और वहां से वो शामिल होंगे इस रोड शो में। और साथ ही इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, दो दिवसीय उनका ये दौरा है और इस दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, देहरादून में दिल्ली के डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत हुआ है और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ मनीष सिसोदिया मीटिंग करेंगे। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में वो जाएंगे और साथ ही उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से उनका रोड शो शुरू होगा, वहां से वो उस रोड शो के अंदर शामिल भी होंगे। तो उत्तराखंड का ये दो दिवसीय दौरा मनीष सिसोदिया का और इसको लेकर के तस्वीरें भी और साथ ही बड़ी जानकारी, देहरादून में दिल्ली के डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत भी हुआ है। जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी कोशिश में है कि उत्तराखंड में आकर के कैंपेनिंग करें, लोगों के साथ जुड़ पाएं, लेकिन कितना इसमें वो सार्थक हो पाते हैं, कितनी कोशिशें सफल हो पाती हैं उनकी। उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से उनका जो रोड शो है उसमें वो शामिल होंगे, लेकिन इस दौरान वो कई और दूसरे कार्यक्रमों में भी पहुंचेंगे। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर मनीष सिसोदिया है। तो देवभूमि बिजनेस डायलॉग में वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में भी जाएंगे, उत्तरकाशी ज्ञानसू टनल से उन वो रोड शो में शामिल होंगे और साथ ही साथ जनता के साथ जुड़ने की कोशिश भी है और जनता को ये बताने की कोशिश है, क्योंकि मुफ्त बिजली को लेकर के पहले ही वो अपनी बातों को स्पष्ट कर चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब उत्तराखंड आए थे तो उस वक्त उन्होंने इस बात का जिक्र किया और साथ ही साथ पहाड़ की जो परेशानियां हैं, पलायन का जो विषय है, इन सभी चीज़ों को लेकर के आम आदमी पार्टी से पहले भी सक्रिय नजर आई है। और साथ ही साथ अब दो दिवसीय उत्तराखंड का ये दौरा है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का।